गुड मॉर्निंग। श्री नंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का विषय रसायन अध्याय 3 तत्वों के गुणों में आवर्तन एवं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इनमें अपन पिछली बार आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी पढ़ चुके थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर संयोजकता अपने पॉइंट है। इसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या है। तो देखिए, कोई सा भी उदासीन गैसीय परमाणु अपने अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की प्रविष्टि करने के लिए मतलब ग्रहण करने के लिए जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। उस ऊर्जा की मास को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। मतलब कोई उदासीन गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त करता है वह उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाती है। एग्जांपल के लिए अपन बात करें, जैसे किसी का भी, जैसे मतलब ये ऑक्सीजन का जो गैसीय परमाणु है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ सीधा ऑक्सीजन का जो परमाणु वो कैसा होगा, ऋणात्मक। तो इसका जो मान होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगर दोबारा से कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई परमाणु, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है उसका मान धनात्मक हो जाएगा। मतलब पहला मान ऋणात्मक तथा दूसरा मान धनात्मक। तो अपन इसको पूरा लिखेंगे तो यही बोलते हैं कि कोई उदासीन गैसीय परमाणु अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाती है। इसकी प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऋणात्मक तथा द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश है क्या? तो नाभिकीय आवेश अपन पिछली बार देख चुके थे कि परमाणु कोई है तो परमाणु के नाभिक में धन आवेश पाया जाता प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यह आकर्षित करता है। नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा, नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, एक दैनिक जीवन जैसे अपन समझ लो कि एक छोटा सा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जितना छोटा होता है ना उतना सबको क्यूट लगता है, मतलब उसको उसकी आकर्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं नाभ के आवेश बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का आकार छोटा हो जाएगा। छोटा जो जितना छोटा होगा परमाणु का आकार उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो पहला पॉइंट नाभिकीय आवेश। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं परमाणु का आकार। तो परमाणु के आकार में बात करेंगे तो जिस दूसरा हिसाब से बोल सकते हैं कि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अर्ध पूर्ण हुए या पूर्ण भरा हुआ है, तो अगर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को उसको क्या करना है, ग्रहण करना है, तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। कोई सा भी अगर इलेक्ट्रॉन है इसको उसका अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है या तो अर्धपूर्ण है आधे भरे हुए हैं या पूर्ण रूप से भरा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। ऐसे में अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण एंथैल्पी है वो धनात्मक भी हो सकती है। तो अपना पहला पॉइंट खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद आ गया अपन विद्युत ऋणात्मकता पे कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, वो इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता कि किसी भी तत्व को सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व के सहसंयोजी आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी कि जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी ओर आकर्षित करने की माप है ये। तो इसके लिए प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो सबसे पहले अगर परमाणु का आकार जितना छोटा होगा वह उतना ही अधिक आकर्षण बल
उसका आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। तो सबसे पहले हो गया परमाणु का आकार, परमाणु का आकार जितना छोटा होता है उसकी विद्युत धारात्मकता समान उतना ही अधिक होता है। अब अपन बात करें नाभिकीय आवेश, तो नाभिकीय आवेश में भी हो जाएगा कि परमाणु का नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा उसका विद्युत धारात्मकता समान उतना ही अधिक होगा। अगर हम इसकी आवर्त में बात करें तो जो विद्युत धारात्मकता है ना बाएं से दाएं चलने पर इसकी विद्युत धारात्मकता का मान बढ़ता जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धारात्मकता का मान समूह में घटता जाता है। आवर्तों में इनका बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है। सबसे अधिक विद्युत धारात्मक जो तत्व है वो फ्लोरीन है, तो ये आपके विद्युत धारात्मकता के प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब अपन आते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की सभी को डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए थी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एक परमाणु परमात्मक मान है कि उस ऊर्जा को व्यक्त करती है जो एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवष्टि कराने पर मुक्त होती है, मतलब उसको प्रवेश कराने पर मुक्त होती है। जबकि विद्युत ऋणात्मकता एक ससंयोजी आबंध युग्म को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को अपन विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है विलगित अणुओं का एक गुण होता है, किसका विलगित यानी कि गैसीय परमाणु का एक गुण हो सकता है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता एक बंधित अणु का गुण होता है क्योंकि ये आबंधी इलेक्ट्रॉनों को उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये बंधी अणु का गुण हो सकता है। नंबर तीन अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में कि एक अणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान निरपेक्ष मान होता है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता का मान बंध पर ही निर्भर करता है। इनका जो मात्रक होता है इसका मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता का कोई मान या कोई इकाई भी नहीं होती। तो अपना हो गया विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में अंतर। अब अपन आ जाते हैं थोड़ी संयोजकता पे कि संयोजकता किसे कहते हैं। इस पार्ट का ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन आ रहे हैं संयोजकता पे, संयोजकता किसे कहते हैं। तो देखिए संयोजकता की जो डेफिनेशन है वो पर्टिकुलर अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं अपन। जैसे एक डेफिनेशन बोलते हैं कि कोई भी उदासीन परमाणु या कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करे या जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागे अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह उसकी संयोजकता होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है वह उसकी संयोजकता होती है। कब? केवल संयोजी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को आठ करने के लिए मतलब अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा वो उसकी संयोजकता कहलाती है। एक डेफिनेशन अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी तत्व की हाइड्रोजन अथवा कोई सा भी हेलोजन तत्व के साथ संयोजन कर सकने की जो क्षमता होती है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अगर एक और डेफिनेशन बोले अपन तो बोल सकते हैं कि वह तत्व यदि वह तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उस तत्व की दो परमाणुओं की ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये आज आपका जो अध्याय है इस अध्याय में कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो गया। अपन अध्याय नेक्स्ट जो अध्याय चार वो स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले अगर आपको देखना है तो इसमें एक बिंदु बोला था जैसे अपन चाहें क्लियर करने के लिए, तो इसमें विकर्ण संबंध भी आता है। क्या आता है? विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध जो होता है ना, तो विकर्ण संबंध में टेबल के अनुसार एक आपने देखा होगा कि जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम फ्रांसियम, इसके बाद अपन ने देखा होगा बी में कष्ट वाला केस वाला आपने तत्व एक क्या लिख लिया अपन ने, आपने दो समूह लिख लिए। तो दो समूहों में लिथियम को देखिए, मैग्नीशियम सोडियम को देखिए, कैल्शियम पोटेशियम को देखिए, स्टेरियम ये आपने देखे हैं। तो ये सर पहला समूह दूसरा दूसरे समूह के साथ, पहला समूह दूसरे समूह के त्रियक में, ठीक है ना, इसमें किसी त्रियक में
कुछ सभी संबंधों को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? सभी संबंधों, यानी कि विकर्ण संबंध होने का एक कारण विद्युत ऋणात्मकता को मान सकते हैं। अपन ऐसा बोल सकते हैं इस अध्याय के आधार पर कि अगर विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर विकर्ण संबंध हो सकता है। जैसे अपन विकर्ण संबंध बोले कि यह पाया जाता है कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, अपन डेफिनेशन बोले कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जब तृतीय आवर्त के अपने से अगले समूह के तत्वों के साथ समानता रखते हैं तो इसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जो हैं तृतीय आवर्त के अपने से अगले समूह के तत्वों के साथ जो समानता दर्शाते हैं उसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ क्या कर रहा है? समानता दर्शा रहा है। इसलिए बोला है क्योंकि इसको हम विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर मान सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता ही अपनी सब कुछ है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता इसका कोई एक कारण हो सकता है, इसकी अहम भूमिका है। तो ये अध्याय अपना टोटल समाप्त हुआ। आप अपने नोट्स तैयार करते रहें और अगर आपको किसी भी समस्या का समाधान है तो हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। अपन अब 4 अध्याय पढ़ेंगे। थैंक यू।